हाँ नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन अकाउंट्स के बारे में यदि बात करें तो अकाउंट्स में अपन देखते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाममात्र का खाता। या दूसरे शब्दों में यदि आप बोलें तो इंडिया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब जब अपन ये अकाउंट हैं तो अकाउंट में जनरली आपने सुना होगा या कहीं पर देखा होगा कि इनमें डेबिट और क्रेडिट होता है। हालांकि अगर देखें तो डेबिट और क्रेडिट अपने आप में कोई अलग चीज़ नहीं है। साइंस में आपने देखा होगा कि एक्शन और रिएक्शन पे बात करते हैं। हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के टाइम में जीत और हार की बात होती थी, तो वैसे ही अपन जो हैं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं। किसको कितना डेबिट करेंगे, कितना क्रेडिट करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है जैसे कि साइंस में चलता है एक्शन एंड रिएक्शन। जिस फोर्स से एक्शन होगा उसी फोर्स से रिएक्शन होता है, अर्थात एक्शन और रिएक्शन बराबर होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक्शन एक बार हो गया, पूरा हो गया, और उसका जो रिएक्शन है वो टुकड़े टुकड़े में होगा, लेकिन होगा उतना ही। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन टुकड़े टुकड़े में हो लेकिन रिएक्शन एक बार हो। तो यही स्थिति हमारे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के साथ भी पाई जाती है। अगर आपने 1,000 रुपये डेबिट किया है तो क्रेडिट भी 1,000 रुपये होगा। अगर आपने 1,000 रुपये को डेबिट किया लेकिन टुकड़े टुकड़े में किया, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, तो हो सकता है कि क्रेडिट पूरे 1,000 रुपये से एक साथ हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट पूरे 1,000 से हो और क्रेडिट टुकड़े टुकड़े में हो जाए, कि 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, या जैसे भी हो, लेकिन वो होगा पूरे 1,000 रुपये के बराबर। ये एक स्थिति है जो हमें ये बताती है कि चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तीनों एक ही लेवल पर काम करती है। अब इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट, तो जैसा कि इसका नाम है व्यक्तिगत खाते, अर्थात ये व्यक्तियों से संबंधित हैं। अब व्यक्ति नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल व्यक्ति आप और हम हैं, आर्टिफिशियल पर्सन जिसको कानून के द्वारा व्यक्ति माना गया है, जैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनीज हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको कानूनी रूप दिया गया है कि ये व्यक्ति। रियल अकाउंट की यदि बात करें तो रियल अकाउंट में या वस्तुगत खाते में केवल वस्तुएं आती हैं, वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट या नाममात्र के खाते में केवल मात्र लाभ, हानि, आय, खर्च, व्यय, इसके बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से हमने अपने व्यवहारों को अकाउंट्स के बुक्स में लिखने के लिए तीन पार्ट में बांट दिया। अब मेमोरी खत्म होने के कारण, फोन की मेमोरी कम होने के कारण और खत्म होने के कारण, मैं बाकी बात दूसरे लेक्चर में कर रहा हूँ। थैंक यू।